दोस्तों, गुड इवनिंग। आपका स्वागत है इस YouTube वीडियो में। आज हम बात करेंगे निफ्टी का चार्ट एनालिसिस करेंगे, किस तरीके का ट्रेंड निकल गया है। तो चार्ट में आपको क्लियर कट दिख रहा है, यहाँ 17,500 के आसपास की 30 की आसपास की क्लोजिंग हुई है। कैंडलस्टिक पैटर्न के बेसिस पे अगर देखा जाए तो कैंडलस्टिक पैटर्न के बेसिस पे एक अच्छा खासा रिवर्सल का सिग्नल बना है, और यहाँ से ये जो लो है यहाँ से एक सपोर्ट पे क्लोजिंग हुई थी, सपोर्ट के आसपास बॉटम बनाया है। और ये अगर ये कल का फ्राइडे का लो होल्ड हो जाता है, चांसेस भी है होल्ड हो जाती है, तो एक अच्छा खासा तेज़ी देखी जाएगी। और ये जो तेज़ी है, जो ब्लू लाइन है, ब्लू लाइन का जो हाई लेवल है लगभग आप देखेंगे यहाँ पे हाई आपको आ जाएगा, या यहाँ पे देखेंगे 17,790। याद होगा आपको, क्लियर कट हमने बोला था कि 800 के ऊपर से रिवर्सल हो, 790 के नीचे ट्रेड करने लगे तो शॉर्ट करेंगे, और 730 के नीचे बंद हो जाएगा तो पोजिशनल शॉर्ट करेंगे। तो वहाँ से लगभग 300 पॉइंट का मंदी हमने देखा, मींस 450 का लो लगाना और 730 के नीचे और 790 के नीचे, दो दो लेवलों के नीचे ट्रेड होने का मतलब कि लगभग 300 पॉइंट का हमने डाउन साइड देखा। यहाँ से अब निचले लेवल से अगर देखा जाए तो एक रिवर्सल का कैंडलस्टिक पैटर्न बना है, लेकिन ये जो ग्रीन लाइन का लेवल है 590, ये एक इम्पोर्टेंट लेवल है। 590 के ऊपर चलेगा तो एक अच्छा खासा हम तेजी देखेंगे। 590 के ऊपर चलेगा तो इजली 17,800 के आसपास और 790 के आसपास इजली जा सकता है। 790 के ऊपर जाएगा तो एक फिर से एक नई तेजी आएगी जो 18,090 तक लेके आ सकता है निफ्टी को। तो जब तक 17,590 के ऊपर ट्रेड नहीं करता है तब तक तेजी के चांसेस नहीं है, और 17,450 का लेवल टूटने के बाद इजली 17,270-320 ये एक लेवल है 13 सितंबर का, वो एक लो इम्पोर्टेंट है। मींस इस मार्केट का जो डाउन साइड, अगर लो टूटता है फ्राइडे का तो 270 जो 30 सितंबर का लो है वो एक इम्पोर्टेंट लेवल है। जब तक वो नहीं टूटेगा तब तक क्रैक नहीं आने वाला है। तो फिलहाल कैंडलस्टिक पैटर्न के बेसिस पे एक बार 17,800 का लेवल आना चाहिए, उसके लिए 17,600 आना जरूरी है, और 13 सितंबर का लो तब तक नहीं आएगा जब तक 450 नहीं टूटता है। तो ध्यान दे करके चलने वाली बात है। अगर हम ऑप्शन एनालिसिस की बात करें, ऑप्शन के बेस एफएंडओ के डाटा एनालिसिस से अगर हम देखें तो एफएंडओ के एनालिसिस जो 28 अक्टूबर का जो एक्सपायरी वाला है इसमें हमने प्राइस गिरते हुए देखा और ओपन इंटरेस्ट बढ़ते हुए देखा है, तो एक तरीके से शॉर्ट बिल्डअप है। और सेम कहानी जो नवंबर का एक्सपायरी है उसमें भी प्राइस गिरा है और ओपन इंटरेस्ट बढ़ा है, और कंबाइंड ओपन इंटरेस्ट अगर हम देखें दो महीने का तो ओवरऑल ओपन इंटरेस्ट ऐड हुआ है लगभग 3,90,000 शेयर ऐड हुआ है टोटल दो महीने, अगस्त अक्टूबर एंड नवंबर के डेटा एनालिसिस अगर देखा जाए तो ओवरऑल शॉर्ट बिल्डअप का ही सिनारियो दिखता है। कैंडलस्टिक पैटर्न के बेसिस पे एक सपोर्ट जो 450 का सपोर्ट है जब तक होल्ड होता है तब तक एक तेजी के बिल्कुल आसार दिख रहा है। तो ये रहा निफ्टी का चार्ट एंड एफएंडओ का डेटा एनालिसिस। इसी तरीके के स्टॉक स्पेसिफिक व्यू जानने के लिए इस चैनल से बने रहिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और स्टॉक मार्केट EDU, अगर जिनको भी एस्ट्रोलॉजी को
का बेसिक लर्निंग करना है तो स्टॉक मार्केट EDU में आप लर्निंग ट्यूटोरियल में जा कर के एस्ट्रोलॉजी के बेसिक एस्ट्रोलॉजी को लर्न कर सकते हैं। उसका वीडियो भी बहुत जल्दी आपको मिलने वाला है बेसिक एस्ट्रोलॉजी की, लेकिन टेक्स्ट फॉर्मेट में आपको पहले नोट्स बना लीजिए, फिर हम वीडियो के माध्यम से आप लोगों को एजुकेट करेंगे। तो एक छोटा सा स्टडी था, निफ्टी का व्यू था मेरा, और यह डिस्क्लेमर याद रखिएगा, लर्निंग वीडियो है, प्रॉफिट लॉस का कोई भी रिस्पॉन्सिबिलिटी हमारा और इस चैनल का नहीं है। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।